गाइस दैट्स व्हाई कश्मीर कॉल्ड हेवन नो डाउट। यार कितना सुंदर नजारा यार, मतलब तो गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं सोनमर्ग, और ये जो सामने है बर्फ। ये देखो टूट गया सारा कुछ, पहले तो जब से निकला हूँ तब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा आज। जैसे मैं पीछे आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए स्नो वाला हिल सारा, और रास्ते की हालत बहुत खराब है। आई नीड योर सपोर्ट। गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर श्रीनगर। तो ये मेरा होटल है जो कि देखा आपने पिछले वीडियो में। सो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, अभी सुबह का 9:30 बज रहा है। कल रात बहुत टायर था आप लोगों को, ऐसे ही बताया 12:30 बज गया था रूम आने में। पूरा कितना कितना स्ट्रगल किया आप लोगों को पता है ऑलरेडी। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, और आज स्नोफॉल होने वाला है। हम जा रहे हैं सोनमर्ग, रास्ता क्लोज है मैंने सुना स्नोफॉल के लिए, फिर भी हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। So guys, stay tuned। ये मलयाली बंदा पूरा लड़की ऐसा करता है, 1 घंटा लगता है मेकअप करवाने में। मैं कब से रेडी हो गया ये। तो गाइस ये पीछे था हम लोगों का होटल, ये वाला। तो हम अभी निकलने वाले हैं और कुछ ब्रेकफास्ट करके सीधा गुलमर्ग। गाइस अनफॉर्चुनेटली आज बारिश का मौसम है, रेनी डे है यार। पता नहीं यार गूगल मैप के हिसाब से आज स्नोफॉल हो रहा है सोनमर्ग में। देखते सोनमर्ग जगह क्या होता नहीं होता। आप लोग बन रही है हमारे साथ, और रास्ते में कहीं भी ब्रेकफास्ट भी करना होगा, बहुत भूख लग गया यार। तो गाइस और मेन रास्ते पे आ गया गुलमर्ग जाने का, गुलमर्ग बोल रहा हूँ मैं, सोनमर्ग जाने का। अभी तो मैं श्रीनगर में हूँ फिलहाल। तो मेरे बाएं साइड में एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है, और सामने रास्ता ठीक है। पहले तो रास्ता बहुत ख़राब था यार, थोड़ा सा लेट भी हो गया, बारिश का मौसम है। और क्या है ना, हेलमेट के भाईजार पे यार फॉग जम रहा है, और हेलमेट का भाईजार ना लगाओ तो इतना ठंड हवा आ रहा है ना कि मतलब टॉलरेट नहीं कर किया जा सकता है, इतना ठंड हवा आ रहा है। ये रहा पेट्रोल पंप, पेट्रोल भरो ना, पेट्रोल नहीं है। 555 555 555 555। तू रेंट नहीं लिया, पेट्रोल पंप में बोला था पूछो यहाँ पे एक बारी। अंकल शू कहाँ पे रेंट मिलता है? शू 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 स्नो शू होता है ना। तो हमने ऑर्डर किया गर्मा गर्म आलू का पराठा और अचार, और उसके साथ चाय भी है। और ये जो टीम देख रहे हैं आप, बात कर रहा है, ये आया है कोलकाता से पूरा टीम, बहुत ही फ्रेंडली है। और हम लोग आए हैं मुगल दरबार में खाना खाने के लिए। ये सोनमर्ग जाते वक्त रास्ते में आता है, श्रीनगर से सोनमर्ग रास्ते में। गाइस यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा कीचड़ से भरा हुआ है, और हमारा बाएं साइड में है सुरक्षा बल एसएसबी का जवान, और सामने देखिए G20 का बैनर भी दिख रहा है। गाइस बारिश हो जा रहा है, अब मेरा बाइक राइड कर रहा है अभी से, क्योंकि मैं पूरा भीग चुका हूँ, मेरा शू के अंदर पूरा पानी भर गया है। और लिटरली वहाँ से जब हवा पास हो रहा है ना, पूरा पैर एकदम जम गया है, मेरा फ्रीज हो गया ठंड से। और सेम मेरा विंटर क्लोथ के साथ भी है, इसलिए थोड़ा सा राइड करने के लिए दिया मैं अभिषेक को, और मैं थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ। और बारिश ने पूरा परेशान करके रखा है, और टूर को भी यार पूरा ख़राब कर दिया यार। सो गाइस हमारा जर्नी जो है अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ पे देखिए कितना बादल छा गया, और इतना बारिश हो रहा है यार, क्या बोलो। देखिए पूरा एकदम भीग गया, मेरा जैकेट जो है ना मैं खोल दिया, यहाँ पे रखा ना बाइक के ऊपर, पूरा जैकेट से पानी गिर रहा। देखिए क्या कंडीशन किया है पानी, यहाँ पे ड्रॉपलेट बन रहा है, मेरे जैकेट से पानी गिर रहा है। तो अभी मैं ये शॉर्ट पहना हूँ, ठंड पे कप रहा हूँ लिटरली। इधर से आया मैं, इधर जाना है, पता नहीं स्नोफॉल होगा कि नहीं यार, वेदर के हिसाब से तो होगा दिखा रहा है, 100% चांस होएगा, देखता हूँ क्या होता है। बाहर से ठीक के तो पूरा 9:00-11:00 हो गया हम लोगों का, बस अंदर में थोड़ा सा गर्माहट बढ़ाने के लिए बार बार चाय पीना पड़ता है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे रुके हैं, चाय पकड़ा खाएंगे और से निकल जाएंगे। गाइस यहाँ पे नज़ारा बहुत अच्छा है, बादल आ गया नीचे, और यहाँ पे कभी मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा है, कभी बारिश रुक रहा है, पता नहीं वेदर का कुछ ठीक है नहीं,
मतलब हम लोगों को कैसे भी करके यूज़ कर रहा है नेचर, ऐसा बात हो गया। और यहाँ पे एप्पल का कुछ फार्मिंग भी दिखा, पर आप लोगों को दिखाया नहीं पाया क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था वहाँ पे। और हम लोगों को गम बूट भी चाहिए था, अगर बाई चांस वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है तो हम लोगों को यहाँ पे ये पहन के चल नहीं पाऊँगा क्योंकि ये ऑलरेडी भीग गया है पूरा, अंदर पानी जमा हुआ है और पैर पूरा एकदम सुन पड़ रहा है मेरा। तो गम बूट के लिए चारों ओर ढूंढ रहा हूँ पर अभी तक गम बूट मिला नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। और रास्ता भी यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब है, तो गाइस स्टे ट्यून, आप लोगों के साथ लाइव पूरा शेयर करेंगे, पर जितना स्ट्रगल कर रहे हैं उतना तो शेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो ये वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। जो मेन क्लिप है मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और यहाँ पे जो होम का घर का स्ट्रक्चर है वो ऐसा कुछ है, ये छोटा सा गांव जैसा है, आइसोलेटेड, वैसा कुछ है नहीं। मैंने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा था होम स्टे वगैरह भी यहाँ पे है नहीं, जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब जो जैसा मेन सोनमर्ग में है वैसा यहाँ भी सेम है होम स्टे का रेट भी। तो कुछ फ्राइज ये जो नज़ारा है ना, ये देख के मुझे सिक्किम का याद आ गया। मैं जब जा रहा था गुडोंग वाले लाचेन लाचुंग यमथंग वैली, उस साइड में भी सेम टू सेम यही लैंडस्केप और यही वेदर था। मैं जब वहाँ गया था वहाँ भी बारिश हो रहा था। तो आप वो सारा भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट या फिर मेरे चैनल में क्लिक करके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में 1-2 वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके मेरा वो सिक्किम वाला टूर का भी वीडियो देख सकते हैं। और बादल जो नीचे आ गया है ना, जहाँ पे ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा है ना वहाँ पे स्नोफॉल होने का चांस ज़्यादा है या फिर हो रहा है स्नोफॉल। ये मेरा दाएं ओर जो है ये मस्जिद है, मस्जिद का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है यहाँ पे मॉस्क का। तो गाइस हम सब अभी जिस खूबसूरत रोड में अभी हैं, इस रास्ते से ही जाता है लेह लद्दाख। अगर कश्मीर होके आप लेह लद्दाख जाएंगे तो इस रास्ते होके जाना पड़ेगा, और आपको सोनमर्ग के ऊपर होके जाना पड़ेगा, स्पीति वैली कारगिल होके और लेह लद्दाख जाता है। अगर कश्मीर होके नहीं जाना चाहते लेह लद्दाख तो और भी एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है, मतलब वो भी बहुत अच्छा रास्ता है, वो है आपका हिमाचल होके, शायद हिमाचल अटल टनल है ना, अटल टनल होके हिमाचल होके आता है लेह लद्दाख। यही दो रास्ता कनेक्ट करते हैं लद्दाख को, और ये जो रोड है ये BRO का अंदर रहता है। गाइस दैट्स व्हाई कश्मीर कॉल हेवन, नो डाउट। यार कितना सुंदर नज़ारा है यार, मतलब आप अगर यहाँ पे होंगे ना तो रियलाइज़ फील कर सकते, पता नहीं वीडियो में कितना कर पाएंगे आप लोग, अगर करना चाहते भी हैं ना तो आप लोग हाई क्वालिटी में देखिए, तभी आप लोगों को यह मतलब बहुत अच्छा व्यू आएगा। एक्चुअली ये लाइट थोड़ा सा कम है, सनी डे है नहीं, तो इसलिए वीडियो क्वालिटी को आपको हाई क्वालिटी में देखेंगे तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। और यार यहाँ पे अगर ये लोकल लोग जो है ना वो अगर लूटता नहीं ना तो बहुत मज़ा आ जाता है यहाँ पर, सही में बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा। यार हम लोगों के देश में इतना सुंदर जगह है पर हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, मतलब क्या कैसे करूँ, मतलब इतना लूटता है ना यहाँ का लोग, क्या बोलूँ, मतलब होटल लोग पूरा एकदम लिटरली बहुत ज़्यादा लूटता है। गोवा में भी इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है पर वहाँ पे आपको 500 का भी मिलेगा, 5000 का भी रूम मिलेगा, पर यहाँ पे क्या होता है ना लिमिटेड रूम है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाता है, तो लोकल लोग ऐसे तैसे करके कुछ भी लूटता है। इसलिए मैं पर्सनली मैं चाहता हूँ ना 370 आर्टिकल हट गया, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आए और तरह तरह का होटल बनाए और मार्केट में कॉम्पिटिशन हो। इस नदी का जो पानी है ना ये बर्फ जैसा ठंडा है, ये सामने ही ग्लेशियर से आता होगा कोई ये नदी। और ये जो है ना ये नया ब्रिज बनाया है BRO ने, और जो जिस ब्रिज पे हम जा रहे हैं ये पुराना वाला ब्रिज है। तो गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं सोनमर्ग, और ये जो सामने है बर्फ दिख गया है, बर्फ बहुत ही गंदा टाइप का है तो ये पुराना वाला बर्फ होगा। और बिल्कुल हमारा दाएं साइड में नीचे से ही बर्फ का नीचे से ही जा रहा है एक नदी बहुत ही स्पीड में, वो अभी नहीं दिख रहा है। और रास्ता का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और ट्रैफिक भी यहाँ से शुरू हो गया थोड़ा बहुत करके, मतलब जाम थोड़ा बहुत लग रहा है बीच बीच में। और शायद यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही बचा हुआ है सोनमर्ग, और अभी भी यहाँ पे बारिश ही हो रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे स्नोफॉल होगा या फिर हुआ है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि बर्फ पूरा गंदा है और अभी बारिश गिर रहा है तो स्नोफॉल होने का चांस बिल्कुल नहीं है। और देखिए अभी सामने जो नदी दिख रहा है ना ये नदी है, और इस नदी ने मतलब इस बर्फ को ना ऐसे काट के निकल गया ना, मतलब एक जगह पे मैंने देखा बहुत ही मतलब गजब का सीन था वो। सो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए हैं मेन सोनमर्ग का इलाका में, मतलब यही है मेन सोनमर्ग, जो भी वीडियो वगैरह देखे हैं ना यही सब का देखा हूँ। इसके पीछे मैं वीडियो नहीं कर पाया पर पिछले 1 घंटे से मैं वहाँ पे ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, इतना गाड़ी, इतना कीचड़ और बारिश हो रहा है, पूरा हॉन्किंग हो रहा है, गाड़ी का आवाज़ एकदम मतलब क्या हालत हुआ था, मतलब वीडियो मैं नहीं कर पाया। इधर भी देखिए कितना पानी जमा हुआ है, पूरा रास्ते में एक लेयर जम गया था कीचड़ कीचड़,
और पूरा एकदम मतलब हालत देखिए रास्ते का, ये तो है ही नहीं। मतलब मेरे हिसाब से, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ, जो सोनमर्ग दिखा था, मतलब जो रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक शॉर्ट्स जो भी है जिसमें हम देखते हैं ना, उस हिसाब से तो ये 1% भी नहीं है। मतलब क्या बोलूँ मैं, रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ वाला सीन हो गया, पूरा डिसटिस्फाई हो गया। मतलब सोनमर्ग आने से पहले का जो सीनरी है, जो व्यू है, बहुत ही बढ़िया है, पर एक्चुअल सोनमर्ग का व्यू आप देख ही सकते हैं। मतलब जितना एफोर्ट आप लगाएंगे ना, उस हिसाब से व्यू नहीं है कुछ भी। और ये है हालत, एक्चुअल हालत, इतना पैसा इनकम आ रहा है और एक रोड तक बना नहीं पाए, क्या ही बोलेंगे। और ऊपर से सब लूटने के लिए आ जाता है यहाँ पे। मैं होटल में भी प्राइस पूछा, क्योंकि मुझे प्लान था यहाँ पे रहने के लिए। सब लोग यहाँ लिटरली लूट रहे हैं यहाँ पे, लूट मार, मतलब ये डिजिटल लूटिंग है, मतलब क्या बोलूँ मैं। मतलब मजबूर करेगा पहले आपको, फिर आपसे लूटेगा पैसा। ऐसा नहीं है कि जोर करके ले लेगा, आपको मजबूर करके आपसे निकलवाएगा पैसा। ये ले रहा है यार एक एक रात में 7-8 हज़ार पर नाइट, क्या बोलो आप, इससे तो कुछ बोला नहीं जाता। और ये है रास्ता, और यहाँ पे जो खच्चर जा रहा है ना, इसका राइड भी आप ले सकते हैं। इसका राइड के लिए मुझे ऑफर कर रहा था कुछ लोग, तो बोल रहा था कि 4,500 रुपये ले। यार मैं मतलब मैं उतना भी पागल नहीं हूँ कि 4,500 में एक खच्चर का राइड करूँ। थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर का रहेगा। 4,500 में यार कभी कभी दिल्ली टू कलकत्ता फ्लाइट का टिकट मिल जाता है। सामने यार फिर गाड़ी का जाम दिख रहा है, और यही है सोनमर्ग के एरिया। और जो लद्दाख वाला रास्ता है वो साइड में से निकल गया है, वो बाईपास है, और ये मेन सोनमर्ग रास्ता है, ये भी जाके वही हाई, मतलब हाईवे में मिक्स हो रहा है। तो गाइस ये है सोनमर्ग, जो आना सबसे खराब डिसीजन था मेरे लिए और अभिषेक के लिए। तो यहाँ पे रास्ता ऐसा था कुछ सीन, तो मैं पैदल आ रहा था क्योंकि यहाँ पे पासिंग नहीं हो सकता, वहाँ पे पत्थर है बहुत सारा। अभिषेक आ रहा था बाइक में, और सडनली बाइक गिर गया हम लोगों का, ये देखो टूट गया सारा कुछ। पहले तो किसी ने यहाँ से गिरा दिया था मेरा बाइक, आज यहाँ से गिरा, और देखो ये मेरा टूट गया, यहाँ पे क्लच लीवर भी टेढ़ा हो गया, और क्या क्या हुआ पता नहीं। अभी ये रहा मेरे हाथ में, ये टूट के अलग हो गया। और यार ये घोड़े वाले एक दिन आ रहा था, ये सारा बाइक गिरा हुआ है, बाइक तो उठाया ही नहीं, ऊपर से बोले साइड करो ऐसा कर रहा है, फिर साइड किया तो बोल रहा है ये मिरर जो है ना मुझे दे दो, मैं घर में देखूंगा। मतलब शर्म तो है नहीं 1% भी, साला मदद तो किया ही नहीं, ऊपर से बोल रहा है मिरर दे दो हम देखेंगे घर में, बेशरम साला एक नंबर का। गाइस बाइक गिरा, गिरने के बाद अब स्टार्ट भी नहीं ले रहा, चेक लाइट आ गया यहाँ पे, गिरने के बाद ही हो गया यहाँ प्रॉब्लम, ना कर। तो गाइस जब से निकला हूँ तब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आज का पूरा दिन खराब चल रहा है। ग्लव्स भीग गया, पूरा हाथ ऐसे ऐसे भी कम रहा है ठंड से, क्योंकि भीग गया ना, ऊपर से बाइक राइड कर रहा हूँ, पूरा ठंड ठंड हवा आ रहा है। जैसे मैं पीछे आप लोगों को देखा था, देखिए स्नो वाला हिल सारा, स्नोफॉल तो हुआ नहीं, बस यही मिला। और रास्ते की हालत बहुत ख़राब है, ऊपर से मेरा मन भी ख़राब हो गया यार, मेरा बाइक गिर गया फिर से एक, मतलब पहले तो किसी ने गिराया था पता नहीं, किसी ने गिरा के चला गया था मेरे रूम के बाहर से। अभी क्या हुआ, अभी उन लोगों का गलती था, गिर गया, ऊपर से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया मेरा बाइक, अभी मन भी नहीं है यार। और जो सोचा था सुनमान के बारे में वैसा नहीं देखा कुछ, ना तो हुआ, मुझे तो लग रहा है इससे अच्छा है गुलमर्ग, क्योंकि यार फेड अप हो गया यार, आगे एक के बाद एक इंसिडेंट, उसके बाद देखो ना यार मेरा बाइक कैसा है, पूरा देखिए गंदा कितना हुआ, पूरा चेन में पूरा एकदम, इतना रास्ता खराब है ना, मड पे पूरा भर गया, मिरर भी टूट गया। अब देखते क्या होता है, कब तक पहुँचते हैं श्रीनगर, कल श्रीनगर में लोकल ही टूर करके कुछ ठीक रहा, वैसे जम्मू जाने का हिम्मत भी नहीं है बाइक, क्योंकि जो हुआ था ना कल हादसा लैंड स्लाइड, मतलब 2 सेकंड के लिए फंस गया। अब एक बार जम्मू जाएंगे ना, और बाइक में कभी नहीं आएंगे यार, मतलब स्पेशली तो ऐसा रेनी सीजन में तो कभी नहीं, क्योंकि बार बार बज गया कल।
ताली बांधना है यहाँ पे, पूहा कर रहा है, पूरा हालत खराब है यार हम लोगों का। तो इस रास्ते में कहीं अगर रुकेंगे तो मिलते हैं, और नहीं तो स्टे ट्यून्ड गाइस। इतना अच्छा कंटेंट कुछ नहीं दे पाया आज का वीडियो में, क्योंकि पूरा रास्ते में बारिश बारिश और बारिश हो रहा है, ऊपर से एक के बाद एक इंसिडेंट। सो ऊपर से मन भी खराब हो गया, ठंड अभी बहुत बाकी जर्नी 70-80 किलोमीटर ही हिली जर्नी और ऊपर से ठंड, पता नहीं अगर फिर से अगर बारिश आ गया ना मन खराब हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्ट अस यार, आई नीड योर सपोर्ट। बाय बाय, कैच अप यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस सोनमार्ग के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आज का एक्सपीरियंस है मुझे, मेरा जो आज जाके जो एक्सपीरियंस हुआ ना। तो सोनमार्ग जाने से पहले बहुत सारा गांव आता है, वहाँ का व्यू एक नंबर है। जैसे कि उसी में से एक जगह में मैं हूँ, क्या जगह का नाम मैं फॉरगेट हो गया, मैं भूल गया, बहुत थोड़ा सा अनकाउन सा नाम ही तो भूल गया। मेरे पीछे देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, पूरा एक नदी जा रहा है, पूरा शांति है, पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है, और ये जो पहाड़ है ना पूरा गोल करके है, ऐसा तीनों साइड कवर है और पूरा स्नो से भरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि सोनमार्ग ज़्यादा हाइप हो गया नाम पे, सोनमार्ग जो होता है ना उतना कुछ है नहीं एक्चुअल में। मैं वहाँ पे जाके डिसटिस्फे हो गया थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बूम हो गया, टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, इतना गाड़ी है कि रोड पे जगह नहीं है। ये दो टू लेन रोड पे चार चार गाड़ी खड़ा कर दिया, पूरा जाम हो गया, नीचे रास्ता है नहीं, कीचड़ भरा हुआ है, और होटल का प्राइस मतलब लूट रहा है यार, मतलब 8,000-9,000 पर नाइट, इतना भी कुछ है नहीं यार, कितना प्राइस लगे तो लूटना हो रहा ना। इससे अच्छा है कि ऐसा ही कोई आइसोलेटेड प्लेस में अगर कोई होमस्टे कुछ मिल गया या फिर कैंप फायर वगैरह ट्रेन वेन लेके अगर आके रहेगा ना, एक नंबर होता है। हम लोग बेसिकली यहाँ पे चाय पीने के लिए रुका था, फिर देखा कि यहाँ पे इतना सुंदर जगह है तो थोड़ा सा यहाँ पे घूमते हैं, फिर हम लोग घूम रहे हैं और जाते वक्त तो पूरा भीग गया था। अभी हम लोग श्रीनगर के सबसे फेमस ढाबा श्री कृष्णा ढाबा में आए हैं डिनर करने के लिए। सुबह स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्ट अस, कैच अप विद योर नेक्स्ट वीडियो।